नमस्कार जोहार, मैं रितिका कुमारी और आप सभी देख रहे हैं नंबर वन न्यूज झारखंड बिहार। गिरिडीह जिले के पछिमारी डीहा गांव में एक हिंसक घटना घटी जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शीतल यादव, नंदकिशोर यादव, ब्रह्मदेव यादव, पवन पाल, वीर रोहित, सूरज देव सभी को कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर गंभीर रूप से चोटें पहुंचाई गई। हमला करने वाले व्यक्ति का नाम उपेंद्र यादव, पिता राजेश्वर यादव, बलराम कुमार, कमलेश कुमार, रमविनोद यादव, पिता द्वारिका यादव, राजेश्वर यादव, पिता सीतो यादव, द्वारिका यादव, पिता बढ़न महतो, वीरेंद्र यादव, संजय, बीजू, मनु यादव, पिता सहदेव यादव, प्रमोद कुमार, द्वारिका यादव सब ने मिलकर हमला किया जिससे वे लहूलुहान हो गए। हमलावरों ने कई और लोगों को निशाना भी बनाया। आए जब बीच बचाव करने गई तो उन पर भी हमला किया गया। यह हमला देर रात करीब 9 बजे घटना को अंजाम दिया गया। सभी के हाथ में लाठी, रड और कुल्हाड़ी था। काफी चोटें लोगों को आई। हमले के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवारों से पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की गई। हमने इस मामले को लेकर अगले पक्ष से बात करने का प्रयास भी किया लेकिन उन्होंने एक बार कॉल पर बात किया और फिर कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। मेरा नाम प्रीत कुमार यादव जी, मामला जानकारी दीजिएगा, क्या मामला है? मामला यही था कि शनिवार को 12 बजे, शनिवार 12 तारीख को रात 9 बजे की घटना है। मेरा दोस्त तेरा भाई को उन लोग ले गया था खाने पीने के बहाने के, चलो खाए पीएंगे उन लोग अपना साथ में बैठ करके, और वो मारने के वजह ले गया था क्या, 1995 गोली चलाया था उसका पिताजी, वही घूम के धमकी दे करके इन लोगों को ले जा करके और गोली से बुला दें। और जब इन लोग हम लोग मामला पता चला कि ना वहाँ उन लोग को मारपीट कर रहा है तो हम लोग यहाँ से गए कि अपना अपना बच्चा को हम लोग समझा बुझा करके ले आएंगे और इसका जो भी है इसको हम लोग सुबह कल फैसला करेंगे। मेरा घर का सारा परिवार पूरा बिना लाठी बिना डंटा का गया, उस सबका सारा हाथ में लाठी डंटा रड और फरसा रखा हुआ था। अब इसी तरह में जब हम लोग अपना बच्चा को इधर तिरने लगे, इधर लाने लगे, मेरा भाई पे पवन कुमार यादव पे लाठी से वार कर दिया। सब लोग थम, हाँ हाँ, मेरा दादाजी भी बचाने गया, मेरा पापा भी बचाने के लिए गया, कोई सुनवाई नहीं। डायरेक्ट उधर से राजेश मतलब बोला कि इन लोग को मार के गिरा देना है। आप लोग की तरफ से कुल कितने लोग घायल? हम लोग की तरफ से टोटल 9 लोग घायल। और उनके तरफ से कितने लोग? लेडीज भी जो 2-3 को है, जो उन लोग को मार बज रहा है, पैर में बज रहा है, किन्हीं के हाथ में बज रहा है, उन लोगों के भी घर में इलाज चल रहा है। अच्छा। और एक जो मेरा बालवीर है, मेरा छोटा भाई है, वो अतः से अतः गंभीर सीरियस है, उसका रेफर कर दिया गया है धनबाद, जो कि उसका ऑपरेशन का बारी आ गया है जी। कोई नस उसका दब गया है और ऑपरेशन का बारी, ब्लड निकला, ब्लड जम गया है, उसका ऑपरेशन का बारी आ गया है। उनके तरफ से कितने लोग घायल हैं? उनके तरफ से मात्र 2 लोग घायल हैं और वो भी उन्हीं लोग को लाठी से लगा हुआ है, हम लोग कोई नहीं लाठी, उन्हीं लोग को लाठी ढूंढने धाने में उन लोग का हल्का सा लगा जो फटा हुआ है। आप लोग थाना में आवेदन दिए? हम लोग थाना में आवेदन दिए हैं। क्या प्रशासन इस मामले में अभी जाँच कर रही? कुछ नहीं जाँच किया मामला इसमें, कुछ नहीं। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं यही चीज कि स्थिति को देखते हुए केस कीजिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। थाना में हम लोग जब गए थे मिलने के लिए तो वहाँ कहता है कि काउंटर केस होगा, दोनों तरफ से केस होगा। ठीक है, काउंटर केस होगा लेकिन जिस व्यक्ति की तरफ से ज़्यादा मार है तो काउंटर केस बराबर आप कैसे कर दीजिएगा? हैं, आप 307 धारा उधर से आप कैसे भी लगा दीजिएगा? जिधर से ज़्यादा मारपीट है, खून फसाद है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी का भी ऑपरेशन हो रहा है, जो अभी ICU में भर्ती है जी, आप एक तरफा आप दोनों बराबर केस आप कैसे सजा दीजिएगा? हम प्रशासन से और गिरिडीह जिला प्रशासन से, SP महोदय से हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस अपराधियों को आप गिरफ्तार करके जेल भेजें और हमको न्याय दिलाएं, अन्यथा नहीं तो फिर हम धरना पे बैठने के लिए बाध्य होंगे, वो भी SP भवन में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार यादव। आपके कौन लगते हैं पीड़ित? मेरा फादर्स हैं, मेरा दादाजी हैं और मेरा अंकल चाचा जी हैं और मेरा भाई लोग हैं। हर खबर पर अब होगा सर। अगर आप लोगों को न्यूज़ चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।